मेरे कई मित्र और शुभचिंतक सीबीआई की नोटिस को लेकर चिंतापूर्वक पूछताछ कर रहे हैं। जब तक विपक्ष के रूप में मैं सत्य बोलता रहूंगा, मेरे पांव आगे बढ़ते रहेंगे, चलता रहूंगा। 2016 सत्र के ये मित्र मेरे चारों तरफ घेरा डालेंगे, डालते रहेंगे। मैं केवल एक बात जानता हूं कि सत्य में जय। 2016 सत्र में इन्हीं ताकतों ने एक महाषड्यंत्र के तहत हम जिस रास्ते पर चल रहे थे, उत्तराखंड को ले चलना चाहते थे, उस रास्ते को खंडित कर दिया। जो हजारों पहले हमारी सरकार ने 2014, 15, 16, 17 में प्रारंभ की थी, जिन पर हम आगे बढ़ रहे थे, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र, एक नई सोच को हम आगे बढ़ा रहे थे, जिनमें समाधान था उन आकांक्षाओं का जो राज्य निर्माण के संघर्ष ने देखी थी, जिनमें समाधान था दूर दराज मैदान हो या पहाड़, उनके गांव में बैठे हुए गरीब महिला पुरुषों का, बेरोजगार नौजवानों का, उनके सवालों का, जो आज ज्वलंत रूप में हमारे उत्तराखंड को डस रहे हैं, उन सवालों का विनिदान हमारी उसी सोच में था। 2017 में हमसे उस सोच को आगे बढ़ाने का अधिकार छीन लिया गया। हम जो कुछ खोना था वो खो चुके, मगर एक कुहासा, एक भ्रम 2016 के घटनाक्रम को लेकर बहुत नाटकीय तरीके से खड़ा करने की कोशिश की गई। अब तो जितनी जांचें होंगी, स्थितियां उतनी ही स्पष्ट होंगी, कुहासा हटेगा, कोहरा हटेगा, भ्रम जो फैलाया गया है वो दूर होगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। हम तो संघर्ष से निकले हुए लोग हैं और संघर्ष में ही विलीन होना हमारी नियति है, मगर मुझे खुशी होगी कि भगवान मेरी मदद करे ताकि उत्तराखंडियत के साथ 2016 सत्र में उत्तराखंड के आम लोगों के साथ राज्य आंदोलन की बुनियादी भावनाओं और सोच के साथ जिन लोगों ने षड्यंत्र करके एक कूट रचना की, जिस कूट रचना के सीबीआई आदि तो एक पात्र मात्र है, रचनाकार और लोग हैं, कम से कम वो रचनाकारों के चेहरे साफ होंगे और उत्तराखंड देख सकेगा कि उनके वास्तविक मुजरिम कौन है। हरीश रावत महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत महत्वपूर्ण है, और मैं इन सारे प्रकरणों को उसी संघर्ष के रूप में ले रहा हूं और उसी संघर्ष के रूप में आगे बढ़ूंगा। जहां तक एजेंसीज का सवाल है, जो भी एजेंसी अभी और भी आएगी, तो जो भी एजेंसी आगे आएगी हम उसके साथ पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद।